Vijayasai Reddy. Thank you, Chairman, sir. Has the government considered establishing a specific fund to assist the coastal states which are regularly affected by annual cyclonic situations, and how often the disaster response plans specific to cyclone updated, and do they adequately address evacuation procedures, relief, distribution, medical assistance and inter-agency coordination, sir? Thank you. Honorable Minister. महोदय, मैं आवंटन की बात से मैं माननीय मंत्री जी को थोड़ा आश्वस्त करना चाहूंगा। 2000 चूंकि उन्होंने विशेष आवंटन की बात, निधि की बात कही है, व्यवस्था की बात कही है, 2021 से 26 के बीच 1,60,153 करोड़ राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि का अलग से 68,463 करोड़ का प्रावधान किया है। इसको जब सर हम देखते हैं कि 2000 पहले के आवंटन था, वह आवंटन से कई गुना बढ़ा है। पहले इसमें लगभग 60 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा था, लगभग दो गुना से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना के आसपास इस में बढ़ोतरी हुई है, जो एक बड़ा है। और उसमें जो तटीय इलाकों में जो भी चक्रवात आते हैं, तो अपने पास उसके नियंत्रण के लिए एक कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था अपने यहाँ है, IMD से, फिर CWG से, फिर NDRF को अलर्ट करते हैं, फिर और टेक्नोलॉजी का सहयोग लेते हैं, स्टेट के जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके लिए भी उससे संपर्क में रखकर हम तटीय चक्रवातों की व्यवस्था करते हैं, और इसमें राज्यों का सहयोग भी मिलता है। इसमें अलग अलग जो व्यवस्थाएं बनी है महोदय, मैं उसके तरफ थोड़ा उल्लेख करना जरूर चाहूंगा कि जो आवंटन है, उस आवंटन को हम कई जो 12 सेक्टर हम तैयार किए हैं, राज्यों को कुछ हम अधिकार भी दिए हैं कि उस SDR फंड का अपने हिसाब से उसका उपयोग कर सकता है आपदा के समय में। इसलिए हम हर स्तर पर टेक्नोलॉजी से, कोऑर्डिनेशन से, स्टेटों के साथ और सभी एजेंसियों के साथ राशि के बढ़ाए गए आवंटन के उस स्रोतों से, और आगे इसके लिए जो अनुभव प्राप्त हुए उसके आधार पर हम सब मिलकर हर प्रकार के आपदाओं से निपटने का हम सब काम करते हैं। श्री विजयपाल।